नसरुल्लागंज क्षेत्र में तेज बारिश के बाद नाले में तेज बाढ़ आ गई, जिसके चलते ग्राम ससली बापचा नाले पर बने रपटे पर पानी आ गया। तेज बहाव की चपेट में आकर हरदा जिला निवासी जगदीश टांडा उम्र 65 वर्ष अपनी बाइक सहित पानी में बह गया। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी। गुरुवार सुबह से ही परिजन और स्थानीय गोताखोर जगदीश की तलाश में नाले में जुटे हैं। बताया जाता है कि स्थानीय ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल को तो नाले से निकाल लिया है, लेकिन अब तक जगदीश लापता बना हुआ है। इधर ग्रामवासियों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी स्थानीय प्रशासन काफी देर बाद मौके पर पहुंचा। अगर सही वक्त पर मदद मिल जाती तो जगदीश को आसानी से तलाशा जा सकता था। सीहोर जिला मुख्यालय से स्पेशल टीम अब जगदीश की तलाश के लिए भेजी गई है। आदर्श न्यूज के लिए नसरुल्लागंज से पत्रकार मुकेश प्रजापति की खास रिपोर्ट। नाम क्या है? उनके नाम जगदीश जी टाड़ा, बैडी रहने वाले हैं वो। जिला हरदा। तो कैसे क्या हो गया है घटना? तो क्या हुआ, उनकी बोनी चल रही थी जी, खेत में से उनने बोल के आया कि भाई तुम ट्रैक्टर लाओ, मैं पंडित जी के यहाँ चलता हूँ बापचा। तो वहाँ से खेत में से वहाँ से निकले, जैसे यहाँ आए, यहाँ पे ब्राह्मण जा रहा था, यहाँ से निकलता हूँ जी। उनने क्या बोला कि भाई जैसे गाड़ी आई, लाइट देखा तो एकदम दौड़ के आए। दौड़ के आने से पंडित जी ने मना करी, जब तक यहाँ ये बोल रहे थे बचा लो। अच्छा, और पंडित जी ने गिरते हुए यहाँ से देखा। बहाव तेज था, पानी बहुत गहरा है। पानी गहरा है तो कितना गहरा है यहाँ पे? कम से कम 30 हाथ पानी, 30 हाथ है अंदर। तो आपको क्या लगता है जैसे यहाँ फंसी है, आगे बह गई हो? नहीं, कड़ा की जगह यहाँ नहीं है, यह नहीं है, मतलब आगे बहने की उम्मीद है।